हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्मी बूट्स एंड स्टोरी इमेज फॉर 2 सितंबर 2020 इज हेयर ऑन द स्क्रीन। नाउ लेट्स गो फॉर द रिस्पॉन्सेज। द फर्स्ट वन वॉज फ्रॉम नितिन। ही रोट, राघव वॉज 9 ईयर ओल्ड, वेरी डायनेमिक बॉय, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दियोबान सिटी, उत्तर प्रदेश। ही बिलोंग टू द मिडिल क्लास फैमिली। ही हैड अ सर्टेन लव फॉर इंजीनियरिंग सिंस चाइल्डहुड। He used to open up his toys or electronic gadgets to check its functioning. Even though after his board he was not able to make it in IIT, but got admission in a private college in electronics and communication, his love for electronics made him learn more about it. He became the president of robotics club of his college. He formed a team, worked hard and participated in robotics. His perseverance along with the dedication and hard work of his team members made him win the competition. This is a very good story. In the end, it showed many features of an officer, like he was in a competition, he was showing the consistency, uski teammates thi. Only problem is, ye bahut futuristic thi. Aapko image dikhai gayi ek 9 saal ke bacche ki, और फिर आपने उसको फ्यूचर में लेके आए और फिर उसको एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट बनाया। मैंने अपने लास्ट रिव्यूज़ में कहा था, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कैरेक्टर हमारी एज का हो, फाइन। पर अगर इमेज में कोई भी कैरेक्टर आपकी एज का नहीं लग रहा तो प्लीज़ लेट इट बी अ 9 ईयर ओल्ड किड, ठीक है? और हो सकता है, मतलब ऐसा तो हो सकता है कि आपको एक बुज़ुर्ग दिखे, आप उसको पास्ट में लेके आ जाएं, क्योंकि व्हाट हैपन टू द सिचुएशन इज़ नॉट नोन एनीवेयर। What led to the situation is not known anywhere, but what happened to the situation is in very much detail. मतलब आपको एक इमेज दिखाई एक लड़के की और आपने बताया कल को उसने कॉम्पिटिशन जीता, इट इज़ वेरी लेस रिलेवेंट। ऑल इन ऑल स्टोरी इज गुड, एक्सेप्टेबल, शोड सम क्वालिटी, बट इट हैज़ टू बी रिलेटेड विद द इमेज। तो नितिन, स्टोरी इज़ वेरी गुड, क्वालिटीज़ आर डैम गुड। वो छलक छलक के उछल उछल के आ रही हैं क्वालिटीज़ ऊपर, पर वो उस इमेज से थोड़ा सा ना रिलेट नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, इमेज में एक 9 साल का लड़का है, मतलब मेरे लिए ये ठीक है, पर अगर 10 की 10 स्टोरीज ऐसी हुई तो मैं इसे बिल्कुल अप्रूव नहीं करूँगा। हाँ, एक ऐसी निकल गई, बाकी ऐसी नहीं है, तो ठीक है, एक में लड़के ने थोड़ा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच ली है। स्पेक्ट्रम कितने भी कलर्स का हो सकता है ना हमारा, तो दिस स्टोरी इज़ एक्सेप्टेबल, पर अगर 10 की 10 ऐसी लिखी देन इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। क्लियर? नेक्स्ट है यश गुप्ता का। आई परसीव वन मेल कैरेक्टर इन द स्टोरी ऑफ एज 12 ईयर्स, नेम्ड रोहित। रोहित वॉज अ स्कूल स्टूडेंट हु यूज टू स्पेंड हिज टाइम इन लर्निंग म्यूजिक एंड प्ले न्यू इंस्ट्रूमेंट। वन डे व्हेन ही रिटर्न्ड फ्रॉम हिज स्कूल एंड सॉ दैट हिज वॉयलिन वॉज नॉट ओके, ही गॉट अपसेट बट गॉट एन आइडिया टू फिक्स इट। ही डिसाइडेड टू टेक मनी फ्रॉम हिज सेविंग्स एंड गेट इट रिपेयर्ड फ्रॉम द नियर बाय मार्केट, एंड इन दिस वे ही यूटिलाइज्ड हिज सेविंग एंड स्टार्टेड लर्निंग वॉयलिन एंड वॉज हैप्पी। यश गुप्ता, स्टोरी इज़ फाइन, वेरी सिंपल, वेरी ओके, पर जितनी छोटी प्रॉब्लम होगी ना उतना छोटा हीरो होगा। इस केस में हीरो आया, उसने गिटार देखा, वो परेशान हो गया कि अरे यार क्या करूं, अरे हाँ मेरे पास पैसे हैं, ठीक करा लेता हूं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी तो बहुत सारी क्वालिटीज़ उठ के नहीं आ पाई सामने। मुझे नहीं पता आपके हीरो के पास कौन सी क्वालिटी है, उसके पास सिर्फ एक क्वालिटी है कि वो पैसे बचा सकता है और उससे उसने काम कर लिया। लास्ट है हमारे पास तिरुपति दलवी की। ये लिखती है, वन गर्ल नेम रुजुला, हर एज वॉज 14 ईयर्स ओल्ड, शी लिव्ड इन पुणे, शी वॉज वेरी गुड एट हिज स्टडीज, हेयर आफ्टर गेट नाइस जॉब एट मुंबई, सो दे शिफ्ट टू मुंबई, शी गेट बेस्ट स्कूल, शी वॉज वेरी फाउंड ऑफ फोटोग्राफी, शी वॉज थिंकिंग अबाउट टेक पार्ट इन अ फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट, देन शी लिसन फ्रॉम हर मदर दैट देयर सोसाइटी इज टेकिंग कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट वॉज नेक्स्ट वीक, शी सेंड हर बेस्ट फोटो एंड वन प्राइज। तिरुपति दलवी, खुशी, ये स्टोरी ठीक है, परफेक्ट है, पर बहुत हेवाय में गई, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ, और फाइनली वो जीत भी गई कोई प्राइज़। दूसरा, इसका इमेज के साथ बहुत अच्छा रिलेशन नहीं था। सेकंड, इसमें बहुत सारी डिटेल हैं जो कि अननेसेसरी हैं, कि वो मुंबई शिफ्ट हो गए और फिर उसे बेस्ट स्कूल मिल गया। एक लड़की को अगर बेस्ट स्कूल मिल गया तो उसे लड़की की क्वालिटीज़ का कुछ पता नहीं चला, तो थोड़ा हमें ओरिएंटेशन दिखानी है कि हमें कौन सी क्वालिटीज़ बाहर निकालनी है। तो दिस स्टोरी is not okay, but at your age, since you are very young, आप पहली बार stories लिख रहे हो, it is acceptable, clear? But I hope from the next stories you will improve, okay? जय हिंद।